देश भर में 15 अगस्त की तैयारी बड़े जोरों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिसे लेकर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि उस दिन सभी लोग अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश का आन बान और शान है, हमारा गौरव है और यह केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इस देश में रह रहे सभी धर्म को एकजुट रखने के लिए है। इसके आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी सोच को लेकर भाजपा आगे चल रही है, 2047 का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश आने वाले समय में विकसित राष्ट्र हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कोई साध्य नहीं है, साधन मात्र है। साध्य तो है राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, और राष्ट्र निर्माण के लिए किसी भी देश में देशभक्ति का भाव अत्यंत आवश्यक होता है। इस बात को समझते हुए हमारी पार्टी ने तय किया है हर घर तिरंगा अभियान हम चलाएंगे और उसके तहत 11 तारीख से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लगातार चलेंगे। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस भी हम मनाएंगे। 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के साथ बहुत अलग स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन सब की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। अब इसमें केवल एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें हम समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्ग, विभिन्न प्रकार के समुदाय, सबसे हम आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि सब इस अभियान से जुड़े। ये कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम हम नहीं बनाना चाहते, सभी लोगों को इसमें हम जोड़ना चाहते हैं और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का के भाव से ओतप्रोत होकर राष्ट्र निर्माण के लिए सब लोग अपना 100% दें। जो जहां पर समाज में, अर्थव्यवस्था में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, व्यापारी हों, किसान हों, मजदूर हों, युवा हो, महिला हो, जो जहां पर है वो अपना 100% अपनी ड्यूटी निभाए, तभी हम एक महान राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इसके लिए सब लोग सामने आए, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।